अब अपने कही है कि मैं कहीं थोड़ी सावधानी रखनी है। अच्छा, कि अपनो बारिश का समय अपन बोनी करा। हाँ हाँ, है ना। हाँ। बोनी करा हो तो उना समय कही है कि अपनो जो बीज रे। हाँ। अपने मान लो दन में आज 20 किलो बीज बोनो है। अच्छा, तो अपन केवल 15 किलो बीज ही उपचारित करा। अच्छा, मान लो पानी आई गयो। हाँ हाँ। या किन्नी कारणवश बोनी नहीं हुई। हाँ, सही। तो जितरो बीज बोए अपन उतरो ही अपने बीज के उपचारित करना है। हाँ। अगर मान लो अपन ने बीज ज्यादा उपचारित कर लियो और उन दिन बुवाणो नहीं हुआ। हाँ। और धूप नहीं निकली, बीज सुख ही नहीं पाया, तो बीज अपनो खराब हो सकते। खराब हुई तो अपन जितरो बोए उतरो बीज ही उपचारित करा। और जो गेहूं चना की बोनी है उमना दिन में अपन बीज उपचारित करें थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि उन दिन तो कोई पानी की दिक्कत रही नहीं। अरे दूसरी सावधानी यह रखनी है कि ये जो अपनो बीज उपचारण करा यो अपने छाव में करना है। अच्छा, छाव मानी, छाव में ही करना है, क्योंकि ये सब जीवाणु है। अच्छा अच्छा। अगर धूप में करिया नहीं, जीवाणु सब मर जाएगा, तो फिर ये अपना कोई विधि काम नहीं आएगा। है नहीं, तो ये छाव में करना है। और बीज उपचारण करने के बाद जो उपचारित बीज है वो भी छाव में ही रखना है। अच्छा अच्छा। और ये जो अपना पैकेट है इनके भी धूप में नहीं डालना है, ये सबके अपने छाव में व्यवस्थित रखना है। ठीक है। हाँ, सब बता दियो यार। हाँ हाँ सही। तो यह है अपनी विधि बीज उपचारण की और सावधानी की। ये उपचारण करनो कहाँ कहाँ के फसल में करनो ये बताई दियो हमारे। यो जो अभी हमने उपचारण करी। हाँ। यो सगली दाल वाली फसल। दाल वाली, जैसे अपनी लाल तुमर हुई। हाँ। मूंग होया। हाँ। उड़दिया होया। हाँ। सोयाबीन हुई। अच्छा, ये सब विधि, यो सब करने की विधि उन सबका लिए उपयोगी है। हाँ। अगर बगैर दाल वाली करेंगे अपन। हाँ। जैसे गेहूं मक्का है तो कल ही अलग विधि अलग है, बाकी ये दाल वाली फसल को दाल वाली फसल के लिए यह विधि।